डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जैमनी आर्किटेक्चर। आज का टॉपिक है मुलायम सिंह की कुंडली। जैसे कि आपको पता है, मुलायम सिंह जी की मृत्यु हो गई है, जो कि बहुत दुखद घटना है। आज मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मुलायम सिंह की कुंडली से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि उनकी मृत्यु इस साल में हो जाएगी। जैसे कि हमारे एक और चैनल है इंडिया एस्ट्रो ज्ञान। अब यहाँ पर आप देखें तो इस वाली वीडियो को, तो यहाँ पर मैंने ये 7 दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मुलायम सिंह जी जीवित नहीं रहेंगे। अब इसका टाइटल भी देख सकते हैं, मुलायम सिंह की कुंडली में मंगल बना रहा है मृत्यु योग, और ये मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में कुंडली देख सकते हैं, जैसे इनकी कुंडली जो बनती है वो बनती है कर्क लग्न की, और इनकी राशि बनती है मीन राशि, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में है। अब इनके कुंडली में राजयोग भी बहुत बने हुए, और इनको जो दशा चल रही है वो मंगल की दशा चल रही है, और मंगल अष्टम में बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं इनके अगर राजयोग बताऊं तो यहाँ पर देखिए, बुध और सूर्य पंचम भाव में, सूर्य बुध अदिति योग बना रहे हैं, शुक्र बुध लक्ष्मी योग बना रहे हैं पंचम भाव में। और पंचम भाव का स्वामी कहाँ चले गया? अष्टम भाव में चले गया। तो इनके जो संतान है इनके लिए अच्छी नहीं रही, संतान से इन्हें दुखी मिला है, और संतान इतनी सक्सेस भी नहीं रह हो पाएगी इनकी जितने ये मुलायम सिंह हुए। और सेकेंड आप देखें तो गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है, और एक और योग है इसमें लग्नेश और नौमेश युति करके बैठे हैं। लग्नेश जो बने वो केंद्र के स्वामी बने, और जो नौमेश है वो त्रिकोण के स्वामी बने, तो ये लक्ष्मी नारायण योग हो गया। और एक और चीज देखें तो शनि और मंगल आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये भी राजयोग हो गया। शनि का निजभंग भी हो गया, पर शनि केतु के साथ है तो ये श्रापित योग भी क्रिएट कर रहा है इनकी कुंडली में। और मैं आपको एक और टेक्निक बताना चाहता हूं, जब भी कोई ग्रह अष्टमेश से राशि परिवर्तन करता है तो अष्टमेश की दशा में मृत्यु नहीं होगी, जिस जो राशि परिवर्तन कर रहा है, जैसे इसमें मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है तो मंगल की दशा में मृत्यु होगी, और शनि अष्टमेश बना हुआ इसमें अष्टमेश की दशा में होनी चाहिए थी, बट मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है इसलिए मंगल की दशा में इनकी मृत्यु हुई। अगर मैं इनके नामांश में भी देखूं तो मंगल कहाँ बैठे हैं, मंगल देखे तो आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और शनि देखे तो शनि वर्गोत्तम हो रखे हैं। और एक और चीज आप देखें तो मंगल किसके नक्षत्र में, मंगल राहु के नक्षत्र में, मंगल शतभिजा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, और इसको यहाँ पर देखें तो मंगल में सूर्य चल रहा है, तो सूर्य इस कुंडली में मार्ग बनता है। और सूर्य किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, सूर्य आप देखेंगे तो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और मैंने कैसे निकाला कि इनकी मृत्यु 2022 में हो जाएगी, उसका मेन रीजन था कि मैंने वर्षफल कुंडली लगाई थी। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये ताजिक वर्षफल है 2022 का। अब इसमें आप देखें, सबसे पहले लग्नेश देख लीजिए, इनकी इनकी कुंडली में लग्नेश कौन है, चंद्रमा। अब चंद्रमा किसके साथ बैठे हैं, केतु के साथ, ये एक नेगेटिव योग हो गया। और मंगल देखें तो कहां पर, अष्टम भाव में बैठे हैं 2022 के गोचर में, उनकी लग्न कुंडली में भी मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। और चंद्रमा और मंगल को आप देखें तो ये क्या योग बना रहे हैं, 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि बैड कॉम्बिनेशन हो गया, 6-8 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, चंद्र केतु की युति बनी हुई है, मंगल अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, और सूर्य कहां बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं बुध के साथ, 12th हाउस लॉर्ड के साथ। तो हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ घटना ये इंडिकेट कर रहा है यहां पर। तो ये मैंने इस तरीके से निकाला था कि इनकी कुंडली में मृत्यु योग बना हुआ है, क्योंकि मंगल अष्टम से गोचर कर रहा था। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई थी वाली मुलायम सिंह वाली, ये मैंने बनाई थी 7 दिन पहले, 2 अक्टूबर को बनाई थी, जिसमें मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मुलायम सिंह अब जीवित नहीं रहेंगे, उनकी मृत्यु 2022 में हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।